दोस्तों, यदि आप स्लाइस की तरफ से आने वाले स्लाइस के इस वीजा कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इस स्लाइस कार्ड के बेनिफिट के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, स्लाइस कार्ड की बुकिंग करते वक्त आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है और दोस्तों उसकी डिलीवरी फीस भी नहीं लगती है। सारे दोस्तों, यहां पर आपको कोई भी एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ता है और दोस्तों यहां पर जो भी आप पैसे लोगे वो 3 इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कर सकते हैं। और जितना भी दोस्तों आप खर्च करोगे स्लाइस कार्ड का यूज करके, यहाँ पर आपको 2% का कैशबैक भी मिल जाता है, जो कि मुझे काफी तगड़ी चीज लगी। और इसकी डिलीवरी भी दोस्तों यहाँ पर मुझे 2-3 दिन लगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर ही हो गया। मैंने 26 दिसंबर को अप्लाई करा और 28 दिसंबर को इसकी डिलीवरी हो गई, तो काफी फास्ट है। एंड आप सभी को इस स्लाइस कार्ड को जरूर ही ट्राई करना चाहिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर बनाएं कि कैसे आप सभी दोस्तों इस स्लाइस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आप सभी बता दूं कि इस स्लाइस कार्ड फिजिकल फॉर्म में है, जैसे कि अभी देख सकते हो मेरे हाथ में, इस डब्बे के अंदर है, इस बॉक्स के अंदर स्लाइस कार्ड, ये फिजिकल फॉर्म में है। और दोस्तों, आप इस स्लाइस कार्ड को डिजिटली भी यूज कर सकते हो, स्लाइस ऐप में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका कार्ड नंबर और CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सभी चीज़ें आपको डिजिटली आपके स्लाइस ऐप में भी देखने को मिल जाती है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम इस स्लाइस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन 2022, और उसके बाद भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो दोस्तों, स्लाइस कार्ड के लिए आपको अप्लाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में स्लाइस ऐप का लिंक दे रखा है। यदि आप उस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आप प्ले स्टोर पर आ जाओगे और यहां पर से आपको स्लाइस ऐप देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करके स्लाइस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल सक्सेसफुली कर लेना है। सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सिंपली ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आप के फोन में जितने भी गूगल अकाउंट है वो सभी शो होंगे, तो जिस भी गूगल अकाउंट से आप स्लाइस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, स्लाइस ऐप में कंटिन्यू करना चाहते हो, उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और आपने जो नंबर एंटर करा है उस पर 4 डिजिट का OTP आएगा, तो उस OTP को यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। फिर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और यदि आप स्टूडेंट है तो दोस्तों, यहाँ पर से आपको स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। और यदि आप कहीं जॉब करते हो तो किस तरह की जॉब करते हो, मतलब कि आप दूसरे के लिए काम करते हो, सैलरी वाले एम्प्लॉय हो, या फिर आप खुद के लिए काम करते हो। मैं सैलरी वाला एम्प्लॉय हूँ, तो मैंने यहाँ पर सैलरी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। तो जिस तरीके की आप भी अभी काम कर रहे हो, एम्प्लॉय हो, सैलरी वाले हो, या सेल्फ एम्प्लॉय हो, या फिर स्टूडेंट हो, तो जो भी हो वो यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, नीचे हैव एन इनवाइट कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको सिंपली इस पर एक बार टैप करना है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको मेरा रेफर कोड यूज करना है। यूज क्यों करना है, इसके आगे मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिससे कि आपको 300 रुपए का बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए आपको मेरा रेफर कोड यूज करना है, जो कि है दोस्तों कैपिटल लेटर में KING 259855। तो एंटर करके आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और दोस्तों, जब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा रेफर कोड ऐड, तो समझ जाना कि रेफर कोड ऐड हो गया है। और यदि रेफर कोड ऐड नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको अप्लाई करना है हैव एन इनवाइट कोड के ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो इस पर क्लिक करना है, लोडिंग होगा। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो ऑटोमेटिक ही शो हो जाएगा। और यदि आपका ही ये पैन कार्ड नंबर है तो आपको सिंपली यस कंफर्म पर क्लिक करना है, एंड आपको क्रेडिट स्कोर लोडिंग होगा, एंड यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, जैसे कि मेरा आया यहाँ पर 16, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, लोडिंग होगा, एंड समथिंग वीर्ड हैपन लिखा हुआ आता है, तो समझ जाना कि आपको दोबारा से रिट्राई करना है। और रिट्राई नहीं करना है तो दोस्तों, आप यहाँ पर जो ऐप है स्लाइस ऐप, इसको क्लोज करके रिस्टार्ट भी कर सकती हो। तो रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों, ये कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको सभी परमिशन को अलाउ कर देना है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, लोडिंग होगा। और जैसा कि हमने सैलरी एम्प्लॉय के ऑप्शन को सिलेक्ट करा था, तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर सर्च करना है, और जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी को यहाँ पर से आपको
सिलेक्ट करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना सेल्फी कैमरा ओपन करना है और अपनी एक सेल्फी ले लेना है और यूज दिस पर क्लिक करना है। लोडिंग होगा एंड यहाँ पर अब आपको अपना स्लाइस कार्ड की डिलीवरी की लोकेशन को ऐड कर देना है। आपकी एलिजिबिलिटी चेक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपके स्लाइस कार्ड की लिमिट कितनी है। जैसे कि मेरे स्लाइस कार्ड की लिमिट है 5,000 रुपए। सेम दोस्तों मेरे साथ एक बंदे ने और अप्लाई करा था जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा था, जिसके स्लाइस कार्ड की लिमिट जानते हो कितनी थी? 15,000 रुपए। तो मतलब 15,000 और 5,000 रुपए। तो यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तो दोस्तों आपके स्लाइस कार्ड की जो लिमिट है वो उतनी ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर यदि अप्रूवल पेंडिंग दिखा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे ऊपर तो मेरे पास मैसेज भी आ गया है 5,000 रुपए का। और यदि पेंडिंग दिखा रहा है ना तो आपको एप्लीकेशन को दोबारा से क्लोज करना है और फिर ओपन करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपका लिमिट दिखा देगा। तो गाइस ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग।